नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड फ्लाइटों के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइटों के बारे में भी बात करेंगे। इंडिया में एक अफवाहें फैली जा रही हैं, या सच है क्या है कि भाई इंडियन वैक्सीन वाले भी दुबई जा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करेंगे भाई, अब आप अगर कहीं पर भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए बड़ी आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो आपको मात्र आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। जी हाँ, उसका प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से मिल सकता है। जी हाँ, और बता दूँ, इंडिया को भाई ग्रीन लिस्ट से भी निकाला है। अभी अच्छी बात है, अगस्त महीने में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने को 100% देखने को मिलेगी। पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड यूके ने, जी हां साथियों, भारत को ग्रीन लिस्ट रेड लिस्ट से निकाल दिया। ये बहुत अच्छी बात है। यूके जैसा देश इंडिया को बता दूं बैन किया था, बता दूं 19 अप्रैल को, और पाकिस्तान को किया था 13-12 अप्रैल को बैन किया था, ग्रीन रेड लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन अभी पाकिस्तान की स्थिति वही है, कोरोना के आंकड़े वहां पे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट वहां पे 20% हो चुकी है, तो उनको तो निकाला नहीं है, लेकिन इंडिया को भाई कल की डेट में निकाल दिया गया है। जी हां, एक अच्छी बात है। इसके साथ में बता दूं, इंग्लैंड ने बहरीन, कतर, यूएई और इन देशों को भी रेड लिस्ट से निकाल के ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। अब यार वीए की बात देखिए आप, वीए बहरीन है, वीए है, इंडिया को उन्होंने रेड लिस्ट में डाल रखा है, इनको लोगों ने डाल रखा है। बात तो हुई है ना, जिनका जोर जिन पे चलता है वो उन पे अजमाने की कोशिश करते हैं। इंडिया को वीए ने बैन करके रखा है, दुबई ने भी रेड लिस्ट में डाल रखा है, इनको यूके ने, बहुत सारे देशों ने इनको भी डाल रखा है, क्योंकि कोरोना यहाँ कम नहीं है। एक छोटी सी आबादी वीए की, वहाँ पे रोज 1500-2000 केस आ रहे हैं, छोटी बात है क्या? कैलकुलेशन कर लेना इंडिया की आबादी के साथ, उनका इंडिया के बहुत कम केस है उनके सामने। और बड़ी अच्छी बात मैं बता दूँ इंडिया की क्या है, अगस्त के महीने में, आज की अगर बात करें 10 अगस्त को, तो 9 अगस्त को मात्र 27,000 केस आए इंडिया में, 40,000 केस भी आ रहे थे तब तक ठीक था, आज की डेट में मात्र 27,000 केस आए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि भाई 27,000 केस, इसका मतलब अगस्त में 100% आपको बहुत सारे देशों की फ्लाइटें ओपन होने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि यूके ने भी इंडिया को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब और भी देशों में पॉजिटिविटी जाती है क्या? दुबई को, यूएई को और उनको, बहरीन को नहीं पता कि यार यूके ने इंडिया को बाहर निकाल दिया, रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट में डाल दिया, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमें भी तो उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाला है, तो हम भी तो इंडिया को ग्रीन लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं यार। 135 करोड़ की आबादी है, 27-30 हज़ार केस कोई मायने नहीं रखते भाई, कोई मायने नहीं रखते, इतना तो नॉर्मल है, आना ही आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जी हाँ, आगे भाई सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, बीच में एक न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है, हालांकि पूरी वीडियो में कल सुबह वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। दुबई जाने वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ अभी अपडेट पे अपडेट आ रही है। आपको पता है भाई, दुबई सरकार अचानक से अपडेट देती है। मॉर्निंग में अपडेट आई थी कि बिना वैक्सीन, यानी इंडियन वैक्सीन अगर आपने ली है तो भी आप दुबई जा सकते हैं। इंडियन वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उसको साथ में लेके, उसको अभी मान्यता दे दी है। इसमें कंडीशन ये रहेगी भाई, यूएई ने जो डोज मान्यता दी है, 4 डोज एक्स्ट्राजेन का, आप इंडिया से अगर वैक्सीन ली और उसका सर्टिफिकेट है एक्स्ट्राजेन का, यानी इसको इंडिया में बोलते हैं अपन कोविशील्ड बोलते हैं, उससे भी आपका काम बन सकता है, आप दुबई जा सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि भाई जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं, जी हाँ, वो भी 9 दिसंबर तक उनके सबके वीज़ा की डेट बढ़ा दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए मैं मानता हूँ बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, दुबई जाने वाले लोगों के लिए। और मैं एक महीना, इसमें एक कंडीशन देखिए भाई, 9 दिसंबर तक सबके वीज़ा बढ़ गए हैं हालांकि, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, वो आपको देखने की ज़रूरत है कि जिनके वीज़ा पिछले 1-2 महीने में एक्सपायर हुए हैं ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि उनको पीछे ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, एक्सपायर हो गया, उनका अभी तक वीज़ा डेट बढ़ी नहीं है। अचानक से काफ़ी लोगों के वीज़ा को चेक किया गया GDRFA पे, तो उनके सबके वीज़ा ऑनलाइन 9 दिसंबर तक डेट उसमें बढ़ चुकी है। तो आगे पूरी डिटेल में कल वीडियो में बनाऊँगा, तो उसमें विस्तारपूर्वक बताऊँगा। आज की वीडियो में बीच में मैंने आपको मैसेज दिया है, आगे सुनते हैं दूसरी न्यूज़। अच्छी न्यूज़ एक ये है भाई कि इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अप्रूवल मिल चुका है। अगर अब बहुत सारी जैसे कोविड वैक्सीन पे डिपेंड थे, स्पुतनिक पे डिपेंड था, ये लोगों को नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जॉनसन एंड स्पुतनिक को इंटरनेशनल स्तर पे मान्यता नहीं है, आपको पता है,
लेकिन इसको मान्यता है जॉनसन एंड जॉनसन को सभी देशों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि आप किसी भी देश में जाते हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन का टीका आप लगवा सकते हैं। एक ही टीका लगवाना पड़ेगा, उसमें ये भी नहीं है कि भाई 28 दिन का वेट करो और फिर 14 दिन का और वेट करो। ये अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, एक टीके का लगवा के 14 दिन बाद आप किसी भी देश का फ्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी रेट ज़्यादा हो सकती है, 1800 से 2000 के बीच में इसकी रेट हो सकती है टीका लगवाने की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई घर बैठे आप व्हाट्सएप पर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है, सरकार ने एक दो दिन पहले इस व्यवस्था को लॉन्च किया कि अभी आपको कोरोना का जो सर्टिफिकेट है उसको लेने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना, वो ढूंढना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक क्लिक करने से आपको वैक्सीन आपका जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आ जाएगा और उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी आप पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं भाई, आज की रिपोर्ट है बाकायदा 15 घंटे पहले की है। सुविधा अब आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र ऐसे करें डाउनलोड। जी हाँ, आप इसमें डाउनलोड का भी भाई पूरा प्रोसेस दिया गया, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के लोगों को आप परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से माई गोवी कोरोना हेल्प डेस्क के जरिए अपना वैक्सीन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे करें, अपना वैक्सीन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए ये जो वेबसाइट दी गई ना भाई, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, अगर आप चाहो तो इस लिंक को जैसे आप ओपन करोगे ना तो इसके एक मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के डालोगे ना तो उस पर क्लिक कर देना, उसके बाद में एक ओटीपी नंबर आपके मोबाइल पे आएगा। और वो मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, जो आपने जो करवाया था ना, आपने कोविड का जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो टीका लगवाया था, वही नंबर उसमें होना चाहिए। उसी नंबर के ओटीपी आपने डालते ही आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। यदि नंबर एक से अधिक लोग एक साथ आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नंबर के अनुसार स्क्रीन पे आ जाएंगे और संबंधित का टाइप नंबर करने पर कोरोना का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही ये जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा और आपका व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट का एक नंबर आएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, इस तरह का एक नंबर आएगा, आप देख सकते हैं इस तरह का नंबर आएगा। इसके आप क्लिक करोगे ना, इसके बाद में ये डिटेल सारी आएगी, इस पर एक नंबर आएगा, ओटीपी आपका व्हाट्सएप नंबर, इसको करते ही आपके मोबाइल के ऊपर आपका जो आपने वैक्सीन का जो डोज लिया था उसका दोनों डोज का आपके पास आपके मोबाइल पे सर्टिफिकेट बाकायदा आ जाएगा। उसके बाद उसका आप यूज़ ले सकते हैं, या विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो आई होप आपको ये जानकारी सभी अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।